साथियों, 10 जून से जो आप लोगों का प्रस्तावित धरना प्रदर्शन सह आमरण अनशन का जो कार्यक्रम गर्दनी बाग पटना में होने जा रहा है, इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक भी पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि कोई एक भाई हमारे सुशील कुमार मोदी जी से बात कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं एनसीटी को लेटर लिखूंगा, उसके बाद आपकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। साथियों, आपने 2016 का एक उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी का एक स्टेटमेंट अखबार के माध्यम से जो आया था, वो भी आप लोग पढ़ने का काम किया होगा। उस समय में वो विपक्ष में थे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि टेट वाले की सरकार बहाली नहीं करना चाहती है। अब जबकि हम लोग करो या मरो के सिद्धांत पर गर्दनी बाग के लिए 10 जून से जो प्रस्तावित हम लोगों का आमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सरकार अपना स्टेटमेंट दे करके बहुत सारे बात इस बीच में होगा। शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आएगा, अनेक मंत्री जी बयान देंगे कि हम मैं तो बहाली करना ही चाहता हूँ। इन सब बातों को आप लोगों को नहीं सुनना है। अब एक ही हमारी मांग होनी चाहिए कि गर्दनी बाग में ये गूंगी और बहरी सरकार, जिनको हमने अनेक आंदोलन धरना प्रदर्शन के माध्यम से पूर्व में भी चेता दिया था, लेकिन इन्होंने कभी भी हमारी बहाली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये सरकार अब गर्दनी बाग में आकर के लिखित आश्वासन मीडिया के सामने घोषणा करे, और तभी हमारा ये आमरण अनशन सह भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम खत्म होगा। इस बीच में यदि कोई भी मंत्री, संतरी, विधायक यदि अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से बयान देते हैं, तो उस बयान पर ध्यान नहीं आप लोगों को देना है। ये झूठे मकारे मकार है। ये हमेशा ठकने और फुसलाने का काम कर रहे हैं। हमारी एकता को भंग करना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि सर जो 10 जून से प्रस्तावित आंदोलन हो, ये आंदोलन सफल हो जाए। कुछ भाई भी निगेटिव बात जो कर रहे हैं, 2011 वाले भाई, उनके बातों पर भी आप लोग को ध्यान नहीं दे करके सीधे एक ही मूल मंत्र के नारा पर आप लोग काम करते हुए, करो या मरो का जो सिद्धांत है, उस पर हम लोग सरकार पर बहाली के लिए दबाव बनाने के लिए जो प्रस्तावित 10 जून से हम लोगों का आंदोलन है, उसमें आप लोग सक्रिय रूप से भाग लीजिए। संख्या बल इतनी होनी चाहिए कि घुटने के बल ये सरकार आकर के आपको गर्दनी बाग में लिखित आश्वासन टीवी चैनल, अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के सामने घोषणा करे, गर्दनी बाग में आकर के लिखित आश्वासन दे, तभी हम लोगों का ये आंदोलन खत्म होगा। इसलिए अब आप लोगों से मैं अंतिम बार अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कमर कस ले, इस सरकार को झुका करके ही हम लोग गर्दनी बाग से वापस आए, चाहे 2 दिन लगे या 10 दिन लगे। जब तक ये सरकार झुके नहीं, तब तक हम लोग वहां से वापस नहीं आएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस सरकार को झुका करके ही वापस आएंगे। साथियों, अब समय नहीं है जो हम लोग वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति हम लोगों के लिए, ये श्वसन नीति भारत सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। इस नीति के आने के बाद हम लोग सड़क पर ही रह जाएंगे। परिस्थिति को देखते हुए अब आप लोग को निश्चित रूप से 10 जून का जो हमारा हम आप लोगों का प्रस्तावित जो कार्यक्रम है, उसमें गर्दनी बाग में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। साथियों, मैंने बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि ये सरकार जो कभी समान काम समान वेतन के नाम पर हम लोगों को ठगने और फुसलाने का काम कर रही है,
तो कभी ये कहती है कि मैं समायोजन करने जा रहा हूँ, तो कभी अलग अलग तरह के मनगढ़ंत कहानियां बना करके आप लोगों को ठगने का जो ये काम कर रही है, इस चीज को अब हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग सिर्फ एक ही सिद्धांत पर काम करें कि अधिक से अधिक संख्या बल के साथ हम लोग गर्दनी बाग में पहुंचे, ताकि हमारी एकता का को देखते हुए, हमारी भीड़ को देखते हुए सरकार हम लोगों की मांग को शीघ्र ही मान ले। यदि आपकी भीड़ 10 से 15 हजार की संख्या बल में होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आंदोलन 2 से 4 दिन में सफल हो जाएगा। यदि संख्या बल में चूक हुई तो ये आंदोलन लंबा भी जा सकता है। तो आप लोग आंदोलन को लंबा ले जाना चाहते हैं कि शीघ्र ही अपनी बहाली के लिए प्रयासरत है, ये 10 जून को आपकी संख्या बल पर निर्भर करेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं डीपी यादव आप सारे भाइयों को, आप सारे भाइयों से एवं बहनों से अपील करना चाहते हैं कि अब आप हम लोगों के पास एक ही लक्ष्य होने चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या बल में गर्दनी बाग पहुंचकर इस सरकार को झुकाने का काम करें और अपने मान सम्मान अधिकार के लिए जो हमेशा प्रयासरत है, उस अधिकार को पाने के लिए इस गुंगी और बाहरी सरकार पर दबाव बनाने का काम करें और शीघ्र ही हमारी बहाली हो, इसके लिए हम लोग गर्दनी बाग पहुंचने का काम करें। धन्यवाद।